नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। राधोगढ़ ब्लॉक के आदर्श ग्राम भुलाई में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मंगलवार को मधुमक्खी पालन का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिससे प्रतिभागियों को वैज्ञानिकों द्वारा मधुमक्खी पालन की संपूर्ण जानकारी दी गई और साथ में 1 दिवसीय फील्ड विजिट शिवपुरी जिले के क्षेत्र में मधुमक्खी पालकों के पास जाकर किया गया। गुना जिले को मधुमक्खी पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह बताई गई और प्रतिभागियों को समझाइश दी गई कि शीघ्र ही मधुमक्खी पालन का काम शुरू करें। यह मधुमक्खी पालन का कार्य व्यवसाय कोई भी कर सकता है। बेरोजगारी से जूझ रहे युवा व कृषक इस व्यवसाय को कम से कम लागत में अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये एक मशीन है, यंत्र है, परपोलिक स्ट्रिप है, जाली है, ठीक है। तो ये बक्से के आकार की होती है। इसमें देखिए ये कुछ फाउंडेशन बने हुए हैं, ये जगह जगह ये फ्रेमों के ऊपर टिक जाती है, जिससे घूम सकती है, गैप मिल जाता है इसको भरने के लिए। इसको चूंकि मधुमक्खी को अंधेरा पसंद है, बताया था आपको, ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है, ये परपोलिस इकट्ठी करती है, गोंद होता है पेड़ों का, फूलों का, ठीक है। तो उसको भरने की ऊपर से प्रकाश आएगा, तो उनको भरने के लिए क्या करती है, ये उस गोंद से परपोलिस से इन जालियों को, इन छिद्रों को भरने का काम करेगी। तो इसमें पूरी जाली में इसको ठोक करके इसको जाम कर देगी, बंद कर देगी परपोलिस से। खतरा खून से ही समझ जाती है। मैं थोड़ा सा अंडा और सही तरीके से दिखाता हूँ आपको, जिसको मैं झाड़ता हूँ फिर अंदर दिखाता हूँ। यार वो आराम से दिखा देंगे सर, नीचे बैठ जा, ठीक है। ये देख लिया आपने, अब आप आराम से देखो इसका अंडा, एक एक पकड़ के देख लो। इतनी दूरी से मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है। मुझे कुछ देखना होता है तो चश्मा लगाता हूँ, जब अंडा देखना होता है चश्मा उतार देता हूँ। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। राधोगढ़ नगर पालिका परिषद विजयपुर द्वारा राधोगढ़ क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 में विधायक जयवर्धन सिंह मुख्य अतिथि व नगर पालिका अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह द्वारा वार्ड क्रमांक 5 में 3 लोकार्पण किए गए। लालपुरा शमशान घाट में बाउंड्री वॉल का लोकार्पण, इसके बाद ओवरहेड पानी की टंकी का लोकार्पण व नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर CMO माधुरी शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरी, इंजीनियर ब्रजेश गुप्ता व सभी वार्ड के पार्षद उपस्थित थे। आदित्य विक्रम सिंह जी, आदरणीय CMO मैडम माधुरी शर्मा जी, हमारे वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद महोदया, आदरणीय उपाध्यक्ष जी पुरुषोत्तम पुरी जी, ब्लॉक अध्यक्ष पुरुषोत्तम पंडित जी, आदरणीय विनोद लाहोटी जी और हमारे सभी यहाँ उपस्थित रावगढ़ नगर पालिका के सभी पार्षदगण और रावगढ़ नगर पालिका के सभी हमारे अधिकारीगण और हमारे सुसनेर और राजगढ़ जिले से पधारे हमारे सभी मेहमान आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और उनके साथ पधारे सभी मेरे भाइयों, आज मैं मानता हूँ वार्ड क्रमांक 5 रावगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि शायद कभी एक दिन में इतनी अधिक लागत का काम कभी पहले इतना बड़ा उद्घाटन नहीं हुआ होगा। यहाँ पर 10 लाख का सामुदायिक भवन, 10 लाख का शमशान घाट की बाउंड्री वॉल और उसके साथ 45 लाख की टंकी का उद्घाटन किया है नगर पालिका अध्यक्ष साहब ने और पार्षद महोदया ने। और इतना ही नहीं, इसके बाद तो लगभग 15 और उद्घाटन पूरे शहर में होंगे और मैं हमारे सभी भाइयों से और बहनों से यही निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार से आपका स्नेह हमेशा बना रहे। जिस तेज गति से रावगढ़ में विकास हुआ है, हम यहां की तुलना आस पास के कोई और शहर से कर लें, चाहे गुना से करें, चाहे करें चंदेरी से, अशोकनगर से, चाहे हम करें शिवपुरी से, चाहे हम करें ब्यावरा से, चाहे हम करें राजस्थान की उस तरफ छबड़ा से, आस पास जितना सुंदर शहर रावगढ़ बना है, जितना विकास यहाँ पर हुआ है, जितने रोजगार के अवसर रावगढ़ में हैं और कहीं शहर में
भोपाल, ग्वालियर, झांसी के आसपास के शहर में और कहीं नहीं है। प्रिय साथियों, आज मुझे ये कहकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदित्य विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में और रावगढ़ नगर पालिका की मेहनत से आज यहाँ पर लगभग 21 लाख की लागत से ये सीसी रोड लालापुरा बाईपास की रोड पूरी बनाई जाएगी। काम कब से चालू हो जाएगा? 25 से पक्का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले एक महीने में काम पूरा भी हो जाएगा, जिससे काफी हमारी जो पूरी बस्ती है और आगे भी सबको बहुत लाभ मिलेगा। चंदू भाई, मंजले भाई, हमारी पार्षद महोदय वर्तमान 5 की आप सबको बहुत बहुत बधाई और इसी प्रकार से ऐसे काम करते रहो। और मेरे सभी भाई राधुगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। स्थानीय कृषि उपज मंडी प्रांगण में भावांतर योजना का शुभारंभ विधायक ममता मीना ने किया। कार्यक्रम में उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले, किसान हित में सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है। उन्होंने कहा है कि इस त्यौहार के सीजन में किसानों द्वारा मंडी में फसल बेचने पर 50,000 रुपये तक का भुगतान नकद किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की परेशानी को देखते हुए यह घोषणा की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान व तहसील के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। 1800 रुपये क्विंटल की सोयाबीन बिक रही थी, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने समर्थन मूल्य रखा है 3050 रुपये सोयाबीन का समर्थन मूल्य रखा है। उसके साथ साथ एक उसमें नियम है कि अगर इस राज्य में 2800 रुपये क्विंटल की 2800 रुपये क्विंटल की हमारी ट्रॉली 2800 रुपये क्विंटल में बिकी, इस तरह से 20 ट्रॉली अगर 2800 रुपये क्विंटल की बिकी, कोई 2600 रुपये क्विंटल की 20 ट्रॉली निकली कोई किया है। इसी कार्यक्रम में पधारी हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती ममता दीदी एवं समय का अभाव है इसलिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। इसके तहत हमारे यहाँ अभी 7400 किसानों ने पंजीयन कराया है, उस 7400 किसानों का इसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा और भी किसानों ने अलग अलग मंडियों में जैसे कोई भी पास में जितने भी मंडियाँ लगती हो उन्होंने उस हिसाब से उनके शुल्क अनुसार कराया होगा। भावांतर योजना के तहत जो अलग अलग राज्यों से भाव मंगाने को समर्थन मूल्य जो उनका है उनको मिलाकर 3050 रुपये सोयाबीन के भाव तय किए सरकार ने। 1325 इसका मक्का का किया है, 5400 उड़द का किया है, 5150 रुपये मूंग का भाव माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भावांतर योजना के तहत इस योजना का यह समर्थन मूल्य तय किया है। और समर्थन मूल्य के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और बहुत शानदार की है कि किसान भाइयों को 50,000 रुपये का नगद भुगतान जो मतलब किया जाएगा और भावांतर योजना में उसका लाभ दिया जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या होती थी कि बहुत कभी कभी दो दो तीन तीन दिन तक चेक कलेक्शन नहीं हो पाता, तो उसके कारण किसानों को परेशानी आती थी। और एक और उसमें जैसे और ऊपर बढ़ के 50,000 से ऊपर बढ़ के अगर हमारे किसान भाई ने अगर कोई भी अगर फसल बेची है तो RTGS के माध्यम से अगर सेम बैंक है तो सेम दे दिया जाएगा, नहीं तो 24 घंटे के अंदर अगर अदर्श बैंक है तो 24 घंटे के अंदर RTGS के माध्यम से किसान भाई के खाते में पैसे आएंगे। बीनागंज से हमारे सहयोगी कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ RK शर्मा की रिपोर्ट। बीनागंज को महेशपुरा, मांगरोल, दमदमपुरा, चौड़ारेश्वर, महादेव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 6 महीनों से निर्माणधीन है, मगर इसमें PWD के ठेकेदार द्वारा घोर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। हाईवे से गोया रोड की पुलिया तक ठेकेदार ने पुरानी सड़क जो कि सही थी उसे खोदकर मोटी मोटी गिट्टी डाल दी व नालियाँ बंद होने से पानी सड़क पर बह रहा है। गटर के पानी व गिट्टियों की वजह से पैदल व दोपहिया वाहनों पर चलने वाले आए दिन चोटिल हो रहे हैं। इस रास्ते से दर्जनों गांवों के लोगों का आवागमन होता है। इस त्योहारों के मौसम में लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क की शीघ्र न बनने की शिकायत शासन व प्रशासन से नगरवासियों द्वारा कई बार की जा चुकी है, मगर समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ।
बीनागंज से हमारे सहयोगी कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ आरके शर्मा की रिपोर्ट। शहर के गुलाबगंज क्षेत्र में पकड़ी गई अवैध आतिशबाजी बनाने वाले आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भी लिया है। साथ ही आरोपियों से पुलिस इस बात की भी पूछताछ कर रही है कि कितने लोग इस बार अवैध आतिशबाजी बनाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान सामने आया कि यहां पर एक फार्म हाउस पर अवैध रूप से आतिशबाजी बनाई जा रही थी। दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर न्यायालय में पेश भी किया। इनको खोलना, नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज जारी रहा। सीएमओ के आश्वासन के बाद उक्त धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। सफाई कर्मियों की मांग थी कि उनको परमानेंट किया जाए, जैसा कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को निर्देशित किया गया था। इस आशय में नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा को मीडिया के सामने आने की बात कही। नगर पालिका के सामने सीएमओ बुंदेला के सामने सफाई कर्मचारियों एवं नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय जब नारेबाजी कर रहे थे, तभी सीएमओ पीएस बुंदेला पूरे समय हंसते दिखाई दिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय की पीठ भी थपथपाते नजर आए। इन सबके बाद सीएमओ ने आश्वासन दिया कि सभी कर्मचारियों को वापस नौकरी पर समान वेतन पर रख लिया जाएगा, लेकिन संविदा पर। न्यायालय का जो दैनिक वेतन भोगियों के समर्थन में जो आदेश हुआ था, उसके परिपालन में मध्य प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को, सफाई कामगारों को 30 सितंबर तक विनियमितीकरण परमानेंट करने का आदेश दिया था, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश के तमाम नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों ने उस आदेश का पालन किया। लेकिन गुना नगर पालिका के अध्यक्ष जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए आज सफाई कामगार अपना त्यौहार नहीं मना रहे, दीपावली का त्यौहार नहीं मना रहे, आज अपनी मांगों के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं नगर पालिका के सीएमओ बुंदेला जी को और नगर पालिका के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी सलूजा जी को ये कहना चाहता हूँ कि गुना नगर को, जो अपने आप को गंदा होकर, अपने आप को, अपने बच्चों को छोड़कर, जो हम बजे अपना बच्चों को छोड़कर शहर की सफाई में लग जाती हैं, उनके लिए नगर पालिका अध्यक्ष क्या कर रहा है ये सामने आके मीडिया को बताएं। नहीं, जो भी होगी नियम चलवा लो। हाँ, कमडा के लिए कमडाबाजी रेट मिलेगी, ये है तो उनको एक का कर देंगे, किसी को चार मिल गया, सबको समान आप करें एक का कर, लेकिन होगा कम नहीं में, संविदा में हम नहीं कह रहे सामान रेट जैसे 33 कर्मचारी और लगे हुए हैं अपने पास संविदा में, उनको भी तो वेतन मिल रही, उसी वेतन पे इनको भी इनको भी संविदा में ही रखा जाए, हम नहीं कह रहे कि आप दैनिक वेतन कर देंगे। चलो ताली बजाओ। दीपावली के एक दिन पहले आज दोपहर को एक महिला को बेवकूफ बनाकर एक युवक पैसे उड़ा ले गया। बता दें कि परसौदा निवासी निर्मला बाई किसी काम से हार्ट रोड स्थित गल्ला मंडी पहुंच रही थी, वहीं पर एक युवक उनसे आकर मिला और पुरानी रिश्तेदारी निकालने लगा। महिला को उक्त युवक ने अपने झांसे में लेकर महिला के 5,000 रुपए व सोने के बाले ले उड़ा। जब तक महिला को समझ पाती तब तक युवक वहां से जा चुका था। आए दिन ठगी की वारदातें गुना में बढ़ती जा रही हैं, जिन पर अंकुश लगा पाना पुलिस के लिए आसानी नहीं बल्कि नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ कागज के घंटे निकले हुए,
कहाँ रहते हो आप लोग? परसोदा रहती हूँ भैया, सौदा ले आई थी गुना। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में यहाँ से गाते थे वो जब मंडी के कुन्ने पे थे और गली में कहीं अम्मा मो जनरेटर लेवा दे कहे दे मैं वहाँ को हम कहीं अटलपुर भर केड़ा को जमान वो नहीं जानो कहे तो मैंने कहे भैया मैं तो नहीं जानू। अरे कहे मैं सीताराम को मोहबा को राम सिंह को मोड़ आया वो कहे उसने या कही कहे अम्मा कही मेरी दो दिन पहले बात हो गई थी कहे जनरेटर ले लो तो कहे मैंने 35,000 में अब कहे वो बदल गए कहे 40,000 में मांग रहा वह कहे तो अम्मा कहे तुम वो 36,000 में दे दे का तो कहे दिवा दो तो मैंने कहे चल बेटा मेरे रुपया लेगा और जब वो बाला लेगा सोने के 1,000 रुपया आते और वाटन निभार के बाला। दीपावली पर बाजार में लौटकर आई रौनक। दिवाली की तैयारी के लिए दुकानदारों ने अपनी दुकानों को एक दुल्हन की तरह सजा के रखा। सभी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं दुकानदार। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या मोमबत्ती की दुकानें, सभी इस तरह से सजी हुई हैं जैसे कोई नई नवेली दुल्हन। एक अनुमान के मुताबिक पिछले दो दिनों में करीब 100 करोड़ रुपए की ग्राहकी गुना जिले में हुई है। इन सब में इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा बाजार, मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स आदि शामिल हैं। डीजीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।